Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel IST Vlogs. तो यार आज है वीकेंड, हफ्ते का दिन है और आज हम ये ब्लॉग सुबह शुरू कर रहे हैं. और अभी का सीन इस तरह है कि अभी उठाया अम्मी जान ने, अम्मी ने कहा यार जाओ बेटा घर वालों के लिए नाश्ता ले आओ. तो वही करते हैं, जाते हैं नाश्ता लाते हैं, हलवा पूड़ी और छोले घर वालों के लिए. अब वो नहीं खाते ऑयली चीज़ें, लोगों के लिए हम लाएंगे रोकनी. तो ये आपका भाई सीढ़ियों से उतरते नाश्ता लेने के लिए जाते हुए. ये हमने निकाली बाइक और कसम से ये 2022 मॉडल है कोई, जो मीटर के हालात है ना इससे ऐसे लग रहा है कि 1990 मॉडल है. बहुत अरसे से बाइक धुलवाई नहीं, पर फिर भी कुछ दिन पहले स्टार्ट की थी तो ये एक किक में स्टार्ट हो गई. भाई का स्वैग चेक कर रहे हो, ये कमीज़ उठाई और ये हम निकल गए नाश्ता लेने के लिए. भी जो पीछे बच्चा आप देख रहे हैं ना, ये है मेरी बहन की बेटी. फिर हम पहुंच गए हलवा पूड़ी की दुकान, टैट गरम गरम हलवा पूड़ी थी. फिर मैंने चाचे को आवाज़ दी, शाबाश चाचा पैक कर, लेकिन हलवा अलग से. फिर उसके बाद आ गए छोले की दुकान पर, उन्होंने कहा चाचे छोले पैक कर, चाचा ने कहा ताबेदार. फिर हमने लिए अबू जान के लिए एक अदद रोगनी. फिर मैंने लिए ये लच्छेदार पराठे अपने लिए, चाचे को कहा चल यार चाचा ये पैक कर, चाचे ने कहा ये ले दो लच्छेदार, कहा ये खाएगा तो सुर आएगा. फिर घर आ गए, ये रहा मेरा नाश्ता, ले हलवा और पराठा. फिर उसके बाद चाय ना हो ऐसा कैसे हो सकता है, ये चाय कप में डलते हुए गरम गरम और फिर आपका भाई पीते हुए. एक्सप्रेशन चेक कर रहे हैं क्योंकि गरम थी. अभी बाहर आए हैं डायरेक्टर सर के पास, डायरेक्टर सर के कोई काम है खुद बताएंगे. जी सर, क्यों अगर जाने ये इम्पीरियल तक तो जाने है, वो सुजुकी का पता कर लें. सुजुकी पे क्या करता है वो, बेड किधर ले टाउन तक लेकर जाना है काम. तो बेड क्यों भेज दिए? हाँ वो अम्मी की सहेली है उनको. चले जाते हैं इम्पीरियल तक, देखते हैं कौन सी सुजुकी. क्या कह रहे हैं सर जी? बोले मैं कह रहा था किसान इस वक्त हम गुड्डी उड़ाते थे वो गाड़ी है. इतनी गंदी धूप में याद है मुझे, सारे कटे होते थे, मुंह काला होता था कभी की तरह. एक बात बताऊं, मुझे वो बात याद आई है. कौन सी? वो तेरी अम्मी कह रही थी काला कौवा. तो हम ये पहुंच गए थे सुजुकी वाले के पास, पर यहाँ पर कोई सुजुकी वाला नजर नहीं आ रहा था. फिर मैंने कहा यार आगे पीछे देखते हैं, कोई ना कोई तो होगा ना, ऐसे कैसे हो सकता है. सुजुकी तक तो आ गए, यहाँ नज़र कोई भी नहीं आ रहा. तो फिर हमें एक सुजुकी वाला वहाँ मिल गया, जिससे फिर हमने यार डील बराबर की कि एक अदद बेड है हमारे पास, वो आप ले जाओगे. तो डील हो गई थी. फिर आप देख सकते हैं ये बेड ले जाना था हमने सुजुकी में, और सुजुकी वाले को हमने कहा कि आप आ जाओ. हम उसका वेट ही कर रहे थे कि थोड़ी देर में ये, तो ये सामने से सुजुकी आ रही है जिसके अंदर हम ये बेड लेकर जाएंगे. तो अभी इसको उसमें लोड करते हैं. तो ये बेड हमने लोड कर दिया था, पर लोड करने के बाद इसको बांधना भी ज़रूरी था, क्योंकि अगर हम ना बांधते और रास्ते में ये तो ततोरे हो जाता, मतलब कहीं गिर जाता तो मसला बन जाता ना. जा रहे हैं बेड देने. मैं को फोन मिला रहे. मैं थोड़ा डेंजरस जगह पे बैठा हुआ था, असल में ये सुजुकी थी और सामान तो सारा पीछे लोड था और हम तीन लोग थे, तो मजबूरी थी हम तीनों को वहाँ बैठना था. और फिर चेक करें चौधरी चौहान. घर आने के बाद हमने बनाया ये नींबू पानी. यार बाहर बहुत गर्मी है, ये पियेंगे सुकून मिलेगा अभी. तो मैं फिर बाहर गया था एक काम से, तो वापसी में मैंने कहा यार ये चिप्स उठा लें ट्विच. ये ऐसे चिप्स हैं कि मुझे पसंद भी हैं, दूसरा ये है कि पता नहीं क्यों शॉर्ट हो जाते हैं, जब भी देखो नहीं मिलते. ये लेने के बाद फिर वापस शहीर के घर गए, देखें क्या हुआ. शहीर इस पंखे को क्या हुआ?
इस पंखे का जो रीली है वो ख़राब है, वो रिले का मसला है ना। अच्छा, स्पीड कम तेज़ नहीं हो रही तो उसको ठीक कर रहे हैं। तो जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं उनको तो पता है कि यार मेरे पास एक ड्रोन था, वो हुआ था क्रैश। सबर मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, अभी ऑन करता हूँ लैपटॉप। तो उसके जो परे वरे हैं वो भी ख़राब हुए थे, दूसरा ये कुछ सर्किट का भी मसला था, वो सब कुछ सही कराया। वो परे मैंने ऑर्डर किए थे वो भी आ गए हैं, और अभी सिर्फ कमरे में चेक कर रहे हैं कि यार उड़ने के काबिल हुआ है कि नहीं, फिर जाएँगे एक दो आने वाले ब्लॉग में खमाखा ड्रोन उड़ाएँगे। तो ये वो फुटेज है जो ये गया खर, ये घुमा ये दर्ज हो गया। तो ये परे हमने मंगवा ली हैं इसके, ये हम अभी इस पर फिट करेंगे और कमरे में ही थोड़ा जूम जूम करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो ड्रोन को चेक करने के बाद भैया ऐसा हुआ कि इतने देर में ये जिम का टाइम हो गया था, मैंने जल्दी जल्दी मिल्क कॉफ़ी अपने लिए बनाई। हमजा मंसूर इन द हाउस, किधर जा रहे हैं सर? सर हम लोग जा रहे हैं वानी पुलाव खाने, और मैंने पेशावर में ना तकरीबन हर जगह का वानी पुलाव खाया, लेकिन ये एक जगह मैंने डिस्कवर किया 2 हफ्ते पहले। अच्छा, हालांकि इतनी करीब है फिर भी मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर एक होटल है जिसका। मेरा एक सवाल है जी, पूछ। 200 लोगों ने किया होगा आपसे, वेट कैसे कम किए? यार 200 ने नहीं किया तकरीबन, मैं कहता हूँ कि बस लिटरली जिस बंदे ने मुझे देखा है और उसकी मेरे साथ सलाम दुआ है कि वो आगे मुझसे बात कर सकता है, उसने पहला सवाल ये पूछा कि वेट कैसे लूज़ किया। मज़े की बात यह कि वेट मुझे भी नहीं पता मैंने कैसे लूज़ किया। ये हमजा भाई काबली पुलाव के लिए होटल में स्वैग से एंट्री मारते हुए चेक करें। सर क्या खा रहे हैं? रिव्यू देंगे हमें? ट्राई कर, देखो पहले हल्की सी वो चर्बी टाइप चीज़ उठाई है, और फिर यार इधर दिखाओ ना, इधर दिखाओ, देखो ये चर्बी टाइप चीज़ उठाई है, ये थोड़ा सा गोश उठाया, थोड़ी सी ये गाजर, और अब यहाँ से चावल। ये हमजा भाई ने स्वैग वाला नवाला बनाया, और ये हमजा भाई की एक्टिंग चेक करें। काटो 50 नंबर शाबा। सर कुछ एक्स्ट्रा हो गया ये वैसे, उफ उफ कर रहे हैं सर, चले हम भी खा देते हैं, हम सिंपल खाएंगे, ये उठाना वाला काम नहीं है। वही बस, तुम जिम करने वाले बंदे हो, तुम्हें फैट्स खाने भी नहीं चाहिए। आज तो जिम गया हुआ तेल लेने भाई, जितनी कोक वोक पेप्सी आप पी रहे हो ना इतनी मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं पी, आजकल बहुत ज़्यादा पी रहे हैं। गोश जन्मन है ना ब्रो? हाँ अल्लाह करे जन्मन करे, सुर तो हम बड़े ले रहे हैं, देखने बाद चले कुछ और खा रहे हैं। फिर थोड़ा सा स्वैग हमारा भी बनता है ना स्टिंग पीते हुए। डायरेक्टर सर अगेन इन हाउस विद इन पेंट और शॉर्ट, क्या सीन है सर? बस जाते हैं ना। कोई सॉन्ग आपने कहे सुना रहे? मैं नहीं सुना रहा, उसमें सुना रहा। अच्छा आओ ना बैठो जरा, ये गाड़ी है। कौन सा है जरा थोड़ा बोल, कौन सा सॉन्ग है वही वाला? क्या वो कौन सा सॉन्ग है बता दो ना, लगा तो सही ना, क्या सुना रहे ऐसे ना कॉपीराइट आ जाए यूट्यूब पे। यहाँ डायरेक्टर साहब ने वो सॉन्ग प्ले किया हुआ था और मैंने आवाज़ म्यूट कर दी क्योंकि एयरवाय का था और कॉपीराइट आ सकता था। तो आज के ब्लॉग में इतना ही था, मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।